हजारीबाग जिला के चेरी पंचायत में बीपीएल कार्ड धारियों को स्मार्ट कार्ड के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार एक तरह कहती है कि बीपीएल कार्ड धारियों को स्मार्ट कार्ड के द्वारा सरकार के द्वारा 30,000 का फ्री इलाज होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा चिन्हित नर्सिंग होम में गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। 18 तारीख रात में ले गए, परिवार को डिलीवरी था, उसके बाद ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पर 19 को ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन पहले हमको डॉक्टर ने बोला कि 6,000 से आपको जमा करना पड़ेगा, तो हम बोले कि 6,000 तो नहीं है, अभी थोड़ा 2,500 है, बोला जमा करते हैं, तो बोला ठीक है फिर ला के जमा कर दो। 2,500 रुपये दिए, फिर खून जाँच चला, 700 रुपये लिया, उसके बाद ऑपरेशन हो गया। उससे हमको सुना में आया था कि स्मार्ट कार्ड वालों को फ्री होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10,000 बाद में फिर 8,000 रुपये मांगा, तो 10,500 लगभग हो गया मेरा। दिक्कत हो बांग हुई करना तो मेन किता को बोले फिर ते हुई आ तो बाद रे 10,500 को कोई किता स्मार्ट कार्ड बोले मिना ता पे मेन का फिर ते हुई तो बांग हुई ना। शिव सुशीला नर्सिंग होम में आप लोग एडमिट थे और आपसे जो पैसा लिया 10,500 रुपया, क्या आपके पास बिल है? जी नहीं, हम लोग छुट्टी हो रहे थे उस समय दिया था, फिर हम लोग वहाँ से आ रहे थे उसमें वापस ले लिया। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि हमारे समुदायों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठगा जा रहा है। इसके बारे में मैंने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी से मिला और इस समस्या के बारे में मैंने उनको बताया, लेकिन वो अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। मैं वीडियो देखने वालों से अपील करता हूँ कि हजारीबाग जिला के सिविल सर्जन ओम प्रकाश आर्यन को इन नंबरों पर दबाव बनाएं ताकि बहामुनी से लिया हुआ पैसा वापस हो और इस योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला सुविधा मिले। मैं चुन्नु हांसदा, गीता टुडू के साथ, हजारीबाग झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।